वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने एनुटी के क्वेश्चन पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी पे, अब हम जो है लोन पर आ चुके हैं, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लोन का देखा जा रहा है। तो बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को लेकर चल रहे हैं, जैसे जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वहां वहां से टॉपिक आपके कवर किए जा रहे हैं, और फुल कोर्स आपको पहले कवर करके आपको दे रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो लोन का क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछेगा, यही कुछ चार पांच सवाल हैं, कुछ इसी तरीके से आपका लोन का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है कि इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले क्वेश्चन ये था हमारे पास में, एक तो जो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी करा उसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट चल रहा था हमारा, और वो इंस्टॉलमेंट जो हमारा था उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड था, तो हम उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे कि विदाउट इंटरेस्ट उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक चीज है उसकी कैश प्राइस ये है, या कोई लोन लिया वो इतने रुपए लोन लिया, और मैं चाहता हूं इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से डिवाइड होगा विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही मिल जाए। और जनरली क्या होगा, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि 30,000 रुपए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 30,000 रुपए लोन लिया और 5 साल में आप डिवाइड कर दो, तो 5 साल में हर साल 6,000 रुपए हो गया इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो बच्चे हर साल का 6,000 हो गया, तो इसमें उसका इंटरेस्ट कहाँ है? अगर मैं आपको 30,000 रुपए लोन दे रहा हूं 5 साल के लिए दे रहा हूं, और आप हर साल मुझे जो है 6,000 रुपए रिटर्न कर देंगे, तो ठीक है इक्वल आप हर बार मुझे रिटर्न कर रहे हैं, बट इसमें मेरा इंटरेस्ट कहाँ है? मैंने आपको 30,000 रुपए दिए तो आपने मुझे 30,000 तो लौटा दिए। तो सबसे पहले आप, अगर मैं इसमें इंटरेस्ट लगाता हूं तो मान लो 6% है, तो फर्स्ट ईयर अगर मैं 6,000 रुपए इस पे इंटरेस्ट लगाऊंगा तो ये अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा, और इसी 6,000 रुपए पर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा उस पर 2 साल का इंटरेस्ट लगाऊंगा 6%, तो वो सेकंड इंस्टॉलमेंट डिफरेंट हो जाएगा, और यही 6% अगर मैं तीसरे साल जाकर के लगाऊंगा 6,000 रुपए पर, तो वो मेरा इंस्टॉलमेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो एक बात आपको समझ में आ गया क्या, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट छोटा होगा, इस बात को जरा आप समझिएगा, सॉरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थोड़ा बड़ा होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट छोटा होगा जिससे कि उस पर 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद वो इसके इक्वल आ जाए, तीसरे छोटा होगा, थर्ड ईयर का जो इंस्टॉलमेंट है जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो और इसमें छोटा होगा, फोर्थ ईयर का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो और छोटा होगा, लेकिन जब इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगने की वजह से ये बड़ा हो जाएगा, इस पे 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो कुछ तो आपका क्या होगा, सेम इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप उसको समझिएगा कि इस बार क्या करना है, हमें एक लोन लोगे और उस लोन का इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाना है आपको, क्लियर है? और वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 6%। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करते हैं। देखें, अ लोन ऑफ 30,000 रुपीज एट द इंटरेस्ट रेट 6% कंपाउंडेड एनुअली इज टू बी द इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 5 ईयर, फाइंड द साइज ऑफ द ईच एनुअल पेमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, कभी भी अगर आप इंस्टॉलमेंट निकालोगे, मतलब आप आर निकालोगे, तो किस तरीके से आप आर निकालेंगे? तो आपके पास में जो पी होगा, जो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है इनटू, क्लियर है, ये आपके ऊपर आई आ जाएगा, और अपॉन 1-1+i, ये कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो जो आपने पहले पढ़ा है उसका ये फॉर्मूला उल्टा हो गया। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, जो आप लोन ले रहे हो अगर आप इसका इक्वल इंस्टॉलमेंट करेंगे, रेस्ट टू पावर माइनस एन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आर इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है हमारे पास में, 30,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना रहा हूं मैं। आई क्या हमारे पास में, आई हमारे पास में 0.06 हो गया, सॉल्व करेंगे 1-1+0.06 रेस टू पावर, और 5 साल की बात है तो माइनस का 5 कर देंगे, ठीक है जी, दिस वन सॉल्व करेंगे, आर इक्वल्स टू 30,000, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो
तो क्या रहेगा आपका 0.06 और डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस और आपके पास में 1.06 रेज टू पावर माइनस 5। क्लियर है? आपको पेपर में ये दिखाना जरूर पड़ेगा क्या कि आपको ये वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि मैं इसको x के इक्वल लेट कर लेता हूं 1.06 रेज टू पावर माइनस 5। आपको पेपर में बताना पड़ेगा कि मैं दोनों बोथ साइड लॉग ले रहा हूं। क्लियर है? माइनस 5 और यहां पर आपके पास में माइनस 5 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास में लॉग 1.06 हो गया। क्लियर है जी? अब आप यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में लॉग एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू, अब आप यहां से क्या वैल्यू निकालेंगे? अब वो वैल्यू का टेबल तो मेरे पास में शायद है नहीं, आज है ये रहा। तो लॉग 10 पे 6 आप अगर देखते हैं लॉग टेबल में तो 10 पे 6 तो 25 थी 0.0253। क्लियर है जी? अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में लॉग एक्स इक्वल्स टू, इस वैल्यू को यहां तक आपको दिखाना पड़ेगा पेपर में, 0.0253 5 into 0.0253। तो आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा ये आपका माइनस 0.1265 आपका आ गया। और यहां x इक्वल्स टू क्या निकालेंगे फिर इसका आप, इसका एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या माइनस 0.1265। और आपको ये कुछ करने की जरूरत है नहीं, आप अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना यहां पर क्या 1.06 डिवाइड बाय क्यू पावर माइनस में है और 5 है तो 2+7 बार करना है आपको, यहां पर लिखा हुआ आपके आ जाएगा 7 बार। ठीक है, यहां लिखा हुआ आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे ये आगे 7 बार लिखा हुआ, तो x की वैल्यू यहां डाल दो आप 0.747258। क्लियर है जी? बात समझे? अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं R इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 30,000 ब्रैकेट 0.06 अपॉन 1 माइनस 747258। क्लियर है जी? और कुछ इस तरीके से देन R इक्वल्स टू 30,000। एक एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं 1 माइनस 0.7472258। तो क्या आया आपके पास में 0.06 डिवाइडेड बाय 0.252742। अब आगे आप सॉल्व करेंगे इसको 0.06 डिवाइडेड बाय 0.252742 एंड इनटू 30,000। तो कितना आपका आया? आर इक्वल्स टू आपका आया 7,121.88। ये बच्चे आपकी आर की वैल्यू यहां पर आपको मिल गई। तो पेपर में ना आपको दिखाना पड़ेगा इस वैल्यू को, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से लिख नहीं सकते हो, आपको इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपकी गलती ना हो एंटी लॉग में, इसलिए कैलकुलेटर से यहां पर आप वैल्यू रिप्लेस कर दो। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? और इस तरीके से अगर आप 30,000 रुपए किसी से उधार लेते हो, 5 साल तक आप उधार लेते हो 30,000 रुपए, क्लियर है जी? सॉरी 30,000 रुपए उधार लेते हो 5 साल के लिए और 6% आपको ब्याज भी भुगतान करना है, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट किसी का बांधना है तो वो इक्वल इंस्टॉलमेंट आपका क्या होगा? ये सारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। क्लियर है जी? तो आपका ये 7,121.88 होगा। मेरी बात समझे? आप मोबाइल लेने गए, वो आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट आपका वो बना के दे रहा है, तो आप, चलिए मैं यहां यहीं से एक आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैं एक मोबाइल लेने गया और उसने मुझे हर साल का, या फिर आप हर महीने जो भी, हर साल का बोल देते थे, हर साल का 7,121.88 उसने क्या करा, मेरा इंस्टॉलमेंट बना दिया और 5 साल का किस्त बना दिए और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में बताया भी है।
सवाल है कि मेरा मोबाइल का कैश प्राइस कितना पड़ेगा। डाउन पेमेंट मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने 5 साल तक ये इंस्टॉलमेंट देना है, तो क्रॉस चेक तो कर सकता हूँ कि ये चीज आ भी रही नहीं आ रही है। चलिए इसको क्रॉस चेक आप करेंगे, क्या होता है क्रॉस चेक करने के लिए, इसको मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना इसका, तो आपके पास है फॉर्मूला क्या प्रेजेंट वैल्यू का। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आपका 0. आई रेस्ट टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय आई। चेक कर सकते हो ना आप इसको, पी इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट कितना है आपका आया, इंस्टॉलमेंट आपका आया 7121.88। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1.06 रेस्ट टू पावर माइनस 5 और अपॉन में 0.06। क्लियर है जी? तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 7121.88। अब आप वही सॉल्व करेंगे क्या, 1.06 डिवाइडेड बाय 7, तो आपके पास में आया 1 माइनस 74 72 58 समथिंग कुछ ऐसा अपॉन 0.06। सॉल्व करेंगे आप 1 माइनस 74 72 58, ठीक है जी, 1 माइनस 0.74 72 58 डिवाइडेड बाय 0.06 इंटू 7121.88 आ गया आपका 29,999.96, मतलब कुल मिलाकर के 30,000 आया ही नहीं आया, बताइए आया 30,000। अब सवाल समझ पा रहे हो सवाल क्या बन रहा है आपका, तो आपकी ये नॉलेज आपको काम आएंगे। आप चेक कर सकते हो कि भैया वो अभी कैश में 30,000 का दे रहा है, इंस्टॉलमेंट उसका सही है या नहीं है। इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उसका 30,000 रुपए का अगर आ गया तो ठीक है, इंस्टॉलमेंट उसने अगले ने बनाया है, तो ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। पर फोन वगैरह लेते हो तो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है ना, तो क्या फर्क पड़ता है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या मंथली कन्वर्ट करना आपको सिखाया नहीं है, क्या आपको एन को मॉडिफाई करना आपको सिखाया नहीं है, आप वैसे नहीं कर सकते क्या? तो ये सारी चीजें वहां पर आपके अप्लाई होगी, इस बात को आप समझे या नहीं समझे, क्लियर है? इसलिए तो ये नॉलेज आपको दी जा रही है। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्लियर है, क्लियर है? अब आप ध्यान रखना, मतलब कि हर साल का बेस प्रिंसिपल सेम नहीं होगा, पहले साल का आपका जो है वो छोटा होगा, अब सेकंड का और भी छोटा होगा, क्योंकि उसमें 2 साल का इंटरेस्ट के साथ तो वो इतना बड़ा इंस्टॉलमेंट बन रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, एक बात तो समझ में आ गई, द साइज ऑफ द ईच एनुअल पेमेंट। भैया ये सवाल पेपर में आता है, लोन का सवाल एक आता है, क्लियर है ना? तो लोन के क्वेश्चन मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन पेपर देख करके एकदम से घबरा जाओगे पेपर में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एंड टाइम पर भी आप नहीं कर पाओगे। अब समय आ चुका है कि आप अपने जो है मैथमेटिक्स टू फाइनेंस के 5 साल के क्वेश्चन आप 10 ईयर से कर लो, इतना करवा दिया कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब सब कुछ तो करवा ही दिया है। तो आपका ये आपका मैं होमवर्क देके चल रहा हूं कि आप 10 ईयर से 5 साल के आप मैथमेटिक्स टू फाइनेंस के आप लोग क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 ईयर में से, मतलब कि कुल मिलाकर के आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे तो आपके 2 सवाल मतलब 15-16 सवाल आपको मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स उठा करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 ईयर को कर रहे हो पेपर में, आपको बिल्कुल भी आपको नया नहीं लगेगा पेपर, आप इजिली आराम से काफी आप उसको हैंडल कर लोगे, ठीक है? इवन पेपर आपकी रेंज में आ गया और इसी ऑर्डर में आ गया तो आप वहां पर फुल स्कोर की तरफ भी आगे बढ़ जाओगे। लेकिन हाँ, सिर्फ आप बुक पढ़ रहे हो और इतना सब कुछ सिलेबस इतना ज्यादा हो गया दिमाग में पूरा मिक्स हो गया है और आपने उसको एग्जाम ओरिएंटेड उसका एग्जीक्यूशन नहीं करा, तो एग्जाम में जाकर के आप सब कुछ भूले हुए मिलोगे, आता हुआ सब कुछ लगेगा ये करा हुआ है बट कुछ समझ में नहीं आ रहा करें कैसे, वो भूल गया दिमाग से निकल गया, आउट हो जाएगा सब कुछ। तो अब आपका टाइम है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड हो जाइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, मतलब 3 साल तो उसने पे कर दिया, अब 3 साल जो पे कर दिया सो पे कर दिया, 3 साल के बाद उसका कितना प्रिंसिपल बाकी है। मैं चाह रहा हूं कि भैया मैंने 3 साल तक तो मैंने पे कर दिया उसको, जो उसकी इंस्टॉलमेंट क्या थी, दिस वन,
उसके 3 साल तक मैंने ये इंस्टॉलमेंट बना करके उसको इंस्टॉलमेंट मैंने पे भी कर दिया, लेकिन 3 साल के बाद मैं चाह रहा हूं कि भैया आपसे छुट्टी मिले, चाह रहा हूं कि आपका कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है, क्योंकि 3 साल के बाद जो मैं पैसा दूंगा तो जाहिर सी बात है कि 3 साल के बाद अगर मैं उसको पेमेंट करना चाह रहा हूं 4 साल की बिगिनिंग, मतलब कि एट द एंड ऑफ द 3 ईयर की बात यह है, तो अगर मैं उसको 3 साल के बाद लमसम देना चाहूंगा तो पहले तो 3 साल का तो ये मेरा चला ही गया, और 3 साल का छुटकारा पाना चाहूंगा तो बाकी आगे 2 साल का बचा था ना किस्त, तो बच्चे आगे 2 साल के तो किस्त, 3 साल तो मैंने पे कर ही दिया, आगे 2 साल का तो किस्त बचा ना, तो आगे 2 साल का किस्त बचा तो मैं 7,121 को 200 मल्टीप्लाई करके नहीं पे करूंगा उसको, जब मैं अगले 2 साल का इंस्टॉलमेंट पहले ही पे करने जा रहा हूं 3 साल के एंड में, 4th ईयर की बिगनिंग में, तो उस पर इंटरेस्ट में क्यों दूंगा। बात समझे नहीं समझे? तो सवाल यही है कि 3 साल के एंड में, लास्ट क्लास में हुआ था कि 3 साल के एंड में, मतलब 4th ईयर के बिगिनिंग में, मैं कितना प्रिंसिपल पे करूं उसका जो कि कहानी खत्म हो जाए। द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, क्लियर है कि 4th साल की स्टार्टिंग में कितना पैसा उसका बकाया, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो याद है मैं लास्ट क्लास में कर रहा था, आप ट्राई करोगे इसको, पहले आप एक बार ट्राई करें क्वेश्चन में सेकंड के लिए, जल्दी करें फास्ट। हाँ जी, देखें जरा क्वेश्चन को किस तरीके से आप करेंगे। यहां पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 3 साल के एंड में, 4th साल के बिगनिंग में कितना प्रिंसिपल बाकी रहेगा। तो मुझे मालूम है कि मैं 7,121.88 जो मैं इंस्टॉलमेंट पे करने वाला हूं, 7,121 जो इंस्टॉलमेंट, 7,121.88 पे करने वाला हूं इसको मैं आगे 2 साल तक, और क्योंकि 4th साल की स्टार्टिंग की बात कर दी है तो 4th साल के एंड में पे करता और 5th ईयर के एंड में पे कर, 2 साल इसको मैं और पे करने वाला था, एन इक्वल्स टू 2 साल इसको और पे करने वाला था। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6%, मतलब कि आई इक्वल्स टू 0.06 ये पे करने वाला था। तो इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं ना, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, याद है आपको कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे आप, आर ब्रैकेट 1 - 1 + i^-n / i, याद है ना, कुछ नया नहीं करना यार, बुक में तो फॉर्मूले अलग अलग दिए हुए, जो चीज सीख लिए उसी से कर लेते हैं ना। तो अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस, अब आर आपके पास में इंस्टॉलमेंट कितना है, 7,121, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक के साथ एक लग करके आएंगे सवाल, और आपके पास में 1 - अब सॉल्व करोगे 1 + आपके पास पे आई रिप्लेस करोगे तो 1.06 raised to power - 2/0.06, ये आपको यहां पर भी दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा कि x equals to हो जाना चाहिए सॉल्व, अब तो 1.06 raised to power - 2 आपको बताना पड़ेगा कि log x equals to -2 into आपके पास में आ जाएगा log 1.06 एंड log x equals to -2 into log 10 पे 6 0, 2, 5, 3 ये आ गया, ये सब दिखाना पड़ेगा आपको, ये तो उसके मार्क्स कट जाएंगे आपके। जैसे मैथ्स आपके बिजनेस मैथ्स है ना, क्योंकि मैं तो 12 साल से सरकारी नौकरी की मैथ्स पढ़ा ही रहा हूं, इसका 40% है गवर्नमेंट जॉब वाली मैथ्स, तो वो काफी आसान रहती है इसके इसके कंपेटिवली में, तो इतना कैलकुलेशन जाता नहीं है। जीरो पॉइंट 0506 गवर्नमेंट जॉब की जो मैथ्स है वो काफी इससे आसान है, आपको -0.0506 आपको वैल्यू निकाल ली है तो कोई बात नहीं, आप अपने कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। 1.06 divided by 4 बार करना था आपका, तो कितना आया आपका
0.88999644 दिस वन, ये वैल्यू आई आपकी। अब सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 7121.88 वन माइनस 0.88999644। आप चार डिजिट ही निकालना भैया, एंटीलॉग में चार डिजिट तक वैल्यू निकालते हैं, ध्यान रखना आप इस चीज को, क्लियर है? ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में फिर कहीं गड़बड़ कर बैठो। अपॉन में 0.06 दिस वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 7121.88 सॉल्व करेंगे आप 1 माइनस 0.88999644 डिवाइडेड बाय 0.06 1.83339, क्लियर है? और मल्टीप्लाई बाय 7121.88 आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 13,57.20। ये हो गया कि अगर आप फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में अगर आप उसको प्रिंसिपल जो बच गया वो देना चाहते हैं तो इतना देकर के आप फ्री हो जाइए। किसके हिसाब से? तो 14,242 बन जाएगा आपका 14,000, लेकिन आप इंटरेस्ट थोड़ी पे करेंगे जब आप पे कर रहे, तो आपको ये पे करना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन क्या है? कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। कौन कहता है कॉम्पिटिशन है? कोई कॉम्पिटिशन नहीं है आपका। 75% अगर आप उसमें अपना स्कोर बना लेते हैं जो पेपर होता है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। और गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये थोड़ी है कि अपने 6 महीना पेपर दिया नहीं हुआ तो कहानी खत्म हो गई। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये होता है कि आप अपने मेरिट पे ध्यान रखें कि आपको 75% स्कोर करना है। आपको एक टारगेट दे दिया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 100 मीटर चलना है तो आप चल सकते हैं। अगर मैं बोलूं 500 लोगों को 100 मीटर चलना है तो आप ये बोलोगे भैया 500 लोग चल रहे हैं तो मैं नहीं चल सकता। आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट देखो ना, आपको मार्क्स कितने लाने हैं। आपको 75% आपको वहां पर स्कोर करना है। 75% में अपना स्कोर बनाऊं क्या? सोचना हमें ये है। पहले में आपका 60% बना, 50% ही बना, कोई बात नहीं। हर 4 महीने बाद कोई ना कोई सरकारी नौकरी के पेपर तो चलते रहते हैं। फिर दिया, वहां पर आपका 5% इंप्रूव हुआ, 60% स्कोर बना, कोई बात नहीं। आपने आगे और दिया, इंप्रूव करा, नेक्स्ट ईयर आपने फिर से पेपर दे दिया, आपका 75% बन गया। आप जो कर रहे हैं साइड बाय साइड वो करते रहिए, साइड बाय साइड इसको भी आप लेकर के चल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा तो ऐसा है नहीं इसमें गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आप, पता क्या है, आप लोग बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं, है ना, तो आप लोग की कैचिंग पावर ज्यादा बेटर है जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं। आप इस बात से आप हैरान हो जाएंगे कि गवर्नमेंट जॉब अगर 100 बच्चे ले रहे हैं तो 100 में से 90 बच्चे आपको जो है आर्ट्स बैकग्राउंड के मिल जाएंगे। मेरे पास तो ऐसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो बीकॉम ऑनर्स कर रहा है ना, वो इस चीज को वो अवेयर ही नहीं है इस चीज से, वो इस फील्ड में आता ही नहीं है वो। और आप बीकॉम ऑनर्स और इतने टैलेंटेड आप बने, भाई 10वीं तक तो आपने अच्छी पढ़ाई करी होगी, तभी आपको विद मैथ्स मिला 11th 12th में, अच्छी मेहनत करी तभी आपको रेगुलर कॉलेज मिला, 95, 96, 97% ला करके आप रेगुलर कॉलेज में गए, वहां आप ये पढ़ रहे हो बिजनेस मैथ्स, तो कहीं ना कहीं आपने इतनी मेहनत करी। अब होगा क्या, आप फिर उसके बाद कोई MBA या फिर कुछ इस तरह की जॉब आप करके आप 35-40-45 हज़ार रुपए की आप नौकरी करे हुए मिलोगे, और वो जो कभी पढ़ाई नहीं, बस लास्ट के 3-4 महीने सही डायरेक्शन में उसने पढ़ाई कर दी गवर्नमेंट जॉब में, वो 70-80 हज़ार रुपए महीना सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी तो छोड़ दो आप, 70-80 हज़ार भी छोड़ो, उसके पास पावर भी है भाई, वो ऑफिसर है, वो इंस्पेक्टर है CBI के अंदर, वो ऑडिटर ऑफिसर है। आप CA बने हुए हो, वो अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर बन गया, आओगे ना तो फिर ऐसे 10 CA। फिर आपने वो मूवी देखी है कौन सी, बाहुबली, जब बाहुबली 2 में जब वो बताता है, पता लगता है कि यही बाहुबली है, तो सबके सब कैसे नतमस्तक हो जाते हैं, है ना। जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर का एक ऑडिटर आ गया ना CGL का, तो सारे CA ऐसे नतमस्तक हो जाएंगे उसके सामने। तो पावर, पैसा, परमानेंट जॉब, ये सब ले जाते हैं एक आप से बिल्कुल कम मेहनत करने वाले लोग, क्योंकि वो इस फील्ड में मेहनत करते हैं और आप इस चीज से अवेयर नहीं हो। हाँ बिल्कुल भाई, सारे CGL का फॉर्म भर दो, सारे बच्चे CGL का फॉर्म भर दो, मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज से टेस्ट कर लो। गर्ल्स के लिए फ्री है, कोई पैसा नहीं है। जो बॉयज है उनमें जो SC कैटेगरी होगा उनके लिए फ्री है, बॉयज जो जनरल कैटेगरी है वो 100 रुपए लगेगा। सब बच्चे एक बार फॉर्म भर दो, ठीक है,
भरने के बाद बस कुछ मत करो, अपने अपने बीकॉम की पढ़ाई करो, जो आपका सेमेस्टर है, एक्स्ट्रा पढ़ाई मत करो। दो ढाई महीने पेपर है बस, आप रीजनिंग का कोर्स आपका 1.5 महीने 2 महीने में आपका हो जाता है। रीजनिंग का कोर्स 2 महीने बस रीजनिंग पढ़ लो और देखो 50 में से कितने नंबर लगते हैं। अगर आपके 50 में 40-45 लग गए तो मतलब क्या है, मैथ्स में तो मैथ्स से आसान है, वहां 50 में से इजिली आप 40-38 आराम से आप खेल जाओगे, सारे नहीं आपका जो स्टैंडर्ड है आप कर जाओगे 40-38, वहां पर आपका स्कोर हो गया। आपने 80-85 नंबर तो ये बना दिया, आप बच्चे 50 नंबर की इंग्लिश। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक कमाल की बात है, आप हैरान हो जाओगे इस चीज को, गवर्नमेंट जॉब में ना जो इंग्लिश है वो इंग्लिश आप लोगों को अगर अभी भी, मैं एक काम करता हूं, एक काम करते हैं ठीक है, देखते हैं इंग्लिश का पेपर कैसा आता है। 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और ये 50 आपका 50 मार्क्स का हो गया। मैं एक इंग्लिश का है ना पेपर आपको अपलोड कर देता हूं, बात समझे, इंग्लिश का पेपर अपलोड कर देता हूं, आप उसको ना उस पर 4 क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे। अभी आपको कुछ भी नहीं आता, आपने कोई कोर्स ही नहीं करा हुआ, अगर आप अभी भी, क्योंकि आप लोग सब इंग्लिश मीडियम के हो बच्चे, जो बच्चे खासकर रेगुलर कॉलेज के हैं, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी है, आप फट से एरर पकड़ लोगे, वो कैदरी पकड़ लोगे, स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ लोगे, ये सब पूछा जाएगा, और क्लोज टेस्ट मतलब कि पैसेज पूछा जाएगा ठीक है ना, और आपके कॉम्प्रेंसिव ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। आप अभी भी है ना इस 25 में से मेरा ऐसा मानना है कि 15 क्वेश्चन तो आप करेक्ट कर दोगे अभी भी, एटलीस्ट आपके 30 नंबर आप यहां से ले जाओगे बिना प्रिपरेशन के इंग्लिश में। रीजनिंग 1.5 महीने में आप अपना जो है 45 तक लेके जा सकते हो, क्लियर है। मैथ्स अगर आपने 6 महीने कर लिया तो मैथ्स में भी आपके 40-38 आपके आ जाएंगे, क्लियर है। और आपके जीएस में 50 में से ज्यादा नहीं लाओ आप, जीएस में ना एक बुक आती है पिनेकल के प्रीवियस ईयर, 3000 के आसपास क्वेश्चन कर जाओगे तो वहां से आपको जो है 15-20 नंबर आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव 3000 क्वेश्चन करने बस, ऑब्जेक्टिव तो होगा करने दिक्कत क्या, 5 और आपके पास 7, 7, 4, 11 तो 13, इसमें आपका हो जाता है पास। ये लो, आप लोग ध्यान ही तो नहीं देते ना, अवेयरनेस ही तो नहीं है आपके पास पे, समस्या तो सारी यही है ना। हाँ बिल्कुल, आपका जो है ना डबल ए में एक आपका फाइनेंस का एग्जाम अलग से देना पड़ता है, जो आप लोगों ने अपने बीकॉम में पढ़ा हुआ है उससे बेसिक, और आपसे क्वेश्चन प्लस उसके 4 ऑप्शन दे देगा थ्योरी टाइप का, आपको वो मार्क करना है, उसमें 30-40% भी स्कोर कर दोगे ना इनफ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले डबल एओ की पोस्ट के लिए सभी बच्चे क्वालिफाई नहीं होते हैं, डबल एओ की पोस्ट के लिए सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं होते हैं, उसके लिए वो बच्चे क्वालिफाई होते हैं जिनके पास में बीकॉम में मतलब कि मैथ्स ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, तो वही बच्चे डबल एओ दे सकते हैं। तो 800 सारा क्राउड एक तरफ खत्म हो जाता है, तो कंपटीशन ही खत्म हो जाता है डबल एओ की पोस्ट के लिए। तो वहां पे डबल एओ में 4600 पे ग्रेड पे होता है, 80,000 रुपए के आसपास सैलरी है उसकी, अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर है डबल एओ का। एक फाइनेंस का पेपर बहुत बेसिक पेपर होता है, वो तो कोई भी 4 दिन पढ़ के बच्चे दे आते हैं बीकॉम वाले। तो फाइनेंस के पेपर कट ऑफ कम जाती है आपकी, और बच्चे ना डबल एओ की पोस्ट लेते भी नहीं है, बच्चे पोस्ट ले लेते हैं ऑडिटर की या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की पोस्ट ले लेते हैं। पूरे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, गवर्नमेंट जॉब की प्रोफाइल क्या क्या है ले लेना। अब मैं अपने क्वेश्चन में वापस लौट के आता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट इन फोर्थ पेमेंट। तो भैया फोर्थ पेमेंट पे कितना इंटरेस्ट पे करा है, सवाल मेरा यह है, क्लियर है कि 4 इंटरेस्ट इन द फोर्थ पेमेंट, फोर्थ पेमेंट में कितना इंटरेस्ट पे कर दिया है, जरा इस सवाल को सॉल्व करो। भरत आप तो साथ स्टूडेंट है ना कॉम्पिटिशन के, कल से तो मेरा एक फ्रेश बैच बनने जा रहा है डब्ल्यू का, कल मॉर्निंग में 11 बजे आपके बैच में भी लगा दूंगा क्लास में, ठीक है, रीजनिंग का आप देख लीजिएगा। कल सुबह 11 बजे मैं आपके बैच में रीजनिंग की क्लास लगा दूंगा, कल मेरी पहली क्लासेस है तो ऐसे ही देख लीजिएगा, आपके बैच में लगा दूंगा तो आपके लिए तो फ्री है। चलिए करिए बच्चे इस क्वेश्चन को,
इंटरेस्ट इन फोर्थ पेमेंट, चौथे पेमेंट में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सवाल समझ पाए आप? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इंटरेस्ट इन फोर्थ पेमेंट। बच्चे मैंने पहले साल अपनी एक किस्त भर दी, कितनी किस्त भरी? 7,121.88। दूसरे साल भी मैंने 7,121.88 मैंने एक दूसरी इंस्टॉलमेंट भर दी, तीसरे साल भी मैंने भर दिया, चौथे साल मैंने मेरे को ब्याज कितना देना पड़ेगा? यस, सिंपल सी बात है। पहले बताओ मुझे चौथे साल मेरा कितना प्रिंसिपल बकाया है मेरे सर पे उसको पे करने के लिए, समझिए इस बात को। फोर्थ ईयर मेरा कितना प्रिंसिपल बकाया है उसको देने के लिए, मेरा कितना प्रिंसिपल बकाया है, निकाला था ना अभी हमने। जे मैं यहीं पे कर देता हूं। और सही में गाइडेंस अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो मैं तो कहता हूं आपको ऑफलाइन आना चाहिए, और आप लोगों के घर के आसपास ही मेरा कोचिंग सेंटर है एनएसपी में, तो वहां पर आप आ सकते हैं, वो गाइडेंस सही से मिल जाएगी। और जो बच्चे कहते हैं मुखर्जी नगर में जाके पढ़ेंगे, तो बच्चे मुखर्जी नगर में मैं ही पढ़ाता हूँ। हाँ जी, सामने देखिएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि आपसे सवाल पूछ रहा फोर्थ में, तो मुझे इतना मालूम है कि जैसे ही फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ, फोर्थ ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ, मुझे मालूम है कि मेरा कितना प्रिंसिपल उसको भुगतान करना है। 13,000 ये प्रिंसिपल मुझे उसको देना है, कुल पैसा ये देना है। तो जब मैं अगले फोर्थ ईयर के जब एंड पे आएगा, तो मैंने उसका कितना पैसा, जब फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ तो इतना उसका प्रिंसिपल मेरे पास बाकी था, ये प्रिंसिपल है ना, वही निकाला था ना अभी हमने। जब फोर्थ ईयर का एंड आएगा तो मैं कितना इंटरेस्ट दूंगा? भैया जो प्रिंसिपल बकाया होगा उसी पर तो ब्याज दूंगा, तो ये पैसा बकाया था मेरा तो इस पर मैं ब्याज दूंगा, ब्याज कितना? 0.06। बस इतना ही तो करना था आपको इसके लिए, समझे या नहीं समझे? तो कितना हुआ? 13057.20 मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो कितना मिला? यार एक बात बताओ मुझे, आपने मुझे 10,000 रुपए मुझसे उधार लिए, तो इस साल के एंड में कितना ब्याज दोगे? 10% पे। तो भैया 10,000 रुपए में से उधार लिए, तो इस साल के एंड में तो आप 10% 1,000 ही तो दोगे। वैसे ही मांग के चलो आप कि फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में ये पैसा उधार लिया उससे मैंने, ये प्रिंसिपल है, और एंड में कितना ब्याज दूंगा? एंड में कितना है? 0.06% रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल देना है, इतना देना है। तो इसमें कुछ सोचना क्या है? केडी कैंपस नाम तो सुना ही होगा जी आपने, ठीक है जी आगे बढ़े। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रिंसिपल कंटेंड इन फोर्थ पेमेंट एंड टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट पेड की बात बाद में करेंगे, पहले फोर्थ क्वेश्चन का आप आंसर करो। सवाल नहीं समझे आप कि फोर्थ पेमेंट का प्रिंसिपल कितना है? मैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्या पे करने जा रहा हूं? 7,121.88, ये तो मेरी इंस्टॉलमेंट है, बट इस इंस्टॉलमेंट में मेरा क्या है? आप सवाल नहीं समझे? पहले आप ट्राई कर लो इसको अपने दिमाग से, फिर मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन क्या है। चलिए अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। सवाल यह है बच्चे, हर साल मैं उसको 7,121.88 इंस्टॉलमेंट दे देता हूं, ये मेरा इंस्टॉलमेंट है विद इंटरेस्ट,
हर साल मैं 7,121.88 इंस्टॉलमेंट दे आता हूं। ये इंस्टॉलमेंट क्या है? ये इंस्टॉलमेंट है विद इंटरेस्ट। ये इंस्टॉलमेंट क्या है? विद इंटरेस्ट। तो मैं 7,121 रुपए अगर मैं किसी को किस्त दे रहा हूं तो ये मेरा विद इंटरेस्ट जा रहा है। सवाल है कि मेरा प्रिंसिपल क्या होगा? ये तो ब्याज हटा के बताओ कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना जा रहा है इसमें, समझे? तो उसी तरीके से मैंने चौथा पेमेंट में मेरा प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल कंटेंट कितना है। चौथा पेमेंट तो मुझे मालूम है क्या है, चौथा पेमेंट तो मुझे मालूम है क्या है। फोर्थ पे इंस्टॉलमेंट तो मुझे मालूम है कितना भर रहा हूं, 7,121.88, ये मुझे मालूम है, ये मेरा चौथा पेमेंट है। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि ये तो इंस्टॉलमेंट है ना विद इंटरेस्ट, ये इस पे तो आपका, इसमें आपका प्रिंसिपल क्या पे कर रहे हो आप इसके अंदर? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, क्या आप इसमें अपना प्रिंसिपल क्या पे कर रहे हो, क्वेश्चन ये है। इसका सिंपल जवाब है कि फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर के एंड में ये प्रिंसिपल पे करा और फोर्थ ईयर के एंड में आपका इंटरेस्ट कितना निकला, 783.43। ये आपने अमाउंट पे करा और इसमें आपका जो है इंटरेस्ट कितना पे करा आपने, ये लिखा हुआ ना कि फोर्थ ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट पे करा, 783.43। बस माइनस कर देना, ये आपका फोर्थ ईयर का टोटल अमाउंट है जो आप पे करने जा रहे हो एज अ इंस्टॉलमेंट, और उस ईयर आपने ये इंटरेस्ट का पेमेंट करा है, तो आपका प्रिंसिपल क्या, बस सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें। नहीं तो आपके पास में एक तरीका और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्या है, मैं बता सकता हूं कि मैंने एक अमाउंट मेरा बन गया, एक मेरा अमाउंट है 7,121.88, समझे, आई है 0.06, एन है 4, चौथे साल मेरा कोई पैसा 4 साल के बाद इतना बन जाता है, तो बताओ उसका प्रिंसिपल क्या है। तो आप इसमें क्या करोगे प्रिंसिपल के लिए, मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सिखाया था आपको, याद है पहले एनुटी से पहले ये तो सिखाया था मैंने आपको, क्लियर है कि आप क्या करोगे, अपना एस ब्रैकेट 1+i^(-n-1) अपॉन ये, बस सिर्फ आपको ये बताया था, सॉरी ये भी नहीं था, दिस वन बताया था ना आपको, इस केस में कि आपके पास में एस क्या है 7,121.88 और आपके पास में 1.06^-4 हो जाएगा, माइनस एन है। तो आप सॉल्व करें, सबसे पहले आप क्या करें, 7,121.88 11th क्लास, बैठिए बैठिए अभी 2 मिनट करता हूं मैं। तो आपके पास 7,121.88 माइनस आपके पास में 783.43, क्या आपके पास में आ गया, आपके पास में यहां पर ये आ गया 6,338.45, क्लियर है, क्लियर है ना, ये आपके पास में रहा। सॉल्व करते हैं हम यहां पर 7,121. जब कंसेप्ट समझेंगे ना तो सवाल कैसे भी आप निकाल दोगे, 1.06/ क्लियर है, क्लियर है जी। तो इसी, अब अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे, टाइम टोटल इंटरेस्ट पेड, भैया टोटल इंटरेस्ट पेड का तो इसका तो आंसर मैं यहीं पे दे देता हूं, फिफ्थ का आपने 7,121.88 की 5 किस्त दी, टोटल अमाउंट आपने इतना पेमेंट करा है उसको, और आपके पास में पैसा कितना था, 30,000 रुपए आपने उसे उधार लिए थे, जितना एक्सेस गया टोटल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आपको आ गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अब आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस पे डाल देता हूं आपके, ये आपके पेपर में बार बार सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल, आप ज्यादा देखिए बीकॉम ऑनर्स 2002 में भी पूछा गया है, सेम सवाल 2018 में भी पूछा गया है, इसलिए कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सेम उठ करके आएगा,
तो वही द एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, द कैपिटल कंटेंट इन द एट इंस्टॉलमेंट, वही बात है कि आठ एट्थ जो इंस्टॉलमेंट, जो आठवें इंस्टॉलमेंट में कैपिटल कितना उसका रहता है, मतलब प्रिंसिपल कितना रहता है उसका, द प्रिंसिपल रिपेड आफ्टर द ट्वेल्थ इंस्टॉलमेंट हैव बीन पेड। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, इसके आपको आंसर करने हैं और अगली क्लास में मिलेंगे, और उसमें हम जो है सिंकिंग फंड के बारे में पढ़ेंगे, और एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एन्युटी हम पढ़ेंगे, दो टॉपिक को कवर करने के बाद। फिर कल 6 है, 7 तारीख, 6 और 7 को दो दिन पढ़ेंगे, 8 तारीख को आपका एलपीपी स्टार्ट आपका कर देंगे। कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आस्था? कैट में थोड़ा इंग्लिश का लेवल अच्छा आ रहता है, जीएस में गवर्नमेंट जॉब के जीएस से अलग है क्योंकि उसमें बिजनेस एप्टीट्यूड आपका इकोनॉमिक्स एप्टीट्यूड ज्यादा रहता है, जीएस बिल्कुल सेपरेट है, रीजनिंग काफी अच्छा रहता है। हाँ, बैंक का और कैट का काफी हद तक आप मैच कर सकते हैं, पीओ का और कैट का, क्योंकि जो पीओ में इंग्लिश होती है और कैट में जो इंग्लिश होती है लगभग लगभग सेम पैटर्न है, रीजनिंग का सेम है, मैथ्स का भी, मैथ्स कैट का मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग मिलेगा बैंक से, पर बैंकिंग की जॉब प्रोफाइल मैं कभी भी रिकमेंडेड नहीं करता हूं, क्योंकि ना वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है बैंक में और रिस्क का प्रेशर का काम रहता है आपका बैंकिंग के अंदर, तो बड़ा हेडक का काम रहता है, और प्लस में आपको पब्लिक डीलिंग में रहना पड़ता है, कई बार पब्लिक डीलिंग में रहोगे हर तरह की चीज आपको देखनी पड़ती है, बट और तनख्वाह वो नहीं मिलती जो एसएससी में मिल जाती है, और एसएससी में पब्लिक डीलिंग में कम रहते हो आप एक ऑफिसर रहते हो, मतलब कि हाँ जी क्या पूछ रहे हैं? इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बिल्कुल सही करा आपने, क्लियर है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। आस्था अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो पूछ लीजिए जल्दी से।